तो नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके ग्लैंड्स के, टुडे वी डिस्कस ओनली ग्लैंड्स के नेम की जो हमने पढ़ लिया था, तो ग्लैंड्स के हॉर्मोन्स की बात करते हैं, कौन कौन से हॉर्मोन्स होते हैं। जैसे हमने हाइपोथैलेमस का देख लिया कि आपकी हाइपोथैलेमस जो ग्लैंड है, हाइपो थैलेमस जो ग्लैंड है, दो टाइप के हॉर्मोन रिलीज करते हैं, रिलीजिंग हॉर्मोन एंड इनहिबिटरी हॉर्मोन रिलीज करती है। इसके अलावा हम एंटीरियर पिट्यूटरी की बात करें, एंटीरियर पिट्यूटरी की बात करें, तो आपके जो एंटीरियर पिट्यूटरी है वो आपके सिक्स हॉर्मोन रिलीज करती है, ट्रिक है आपकी ग्लैंड, ठीक है, आपका FSH, LH, ACTH, प्रोलैक्टिन और आपका ग्रोथ हॉर्मोन, ये सिक्स हॉर्मोन रिलीज करती है आपकी एंटीरियर पिट्यूटरी। इसके अलावा हम बात करें आपकी पोस्टीरियर पिट्यूटरी की बात करें, पोस्टीरियर पिट्यूटरी की बात करें, तो आपकी पोस्टीरियर पिट्यूटरी दो हॉर्मोन रिलीज करती है, एक है आपका वैसोप्रेसिन, वैसोप्रेसिन इसको हम ADH हॉर्मोन के नाम से भी जानते हैं, सेकेंड है आपका ऑक्सीटोसिन, सेकेंड हॉर्मोन है आपका ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट हम बात करें हाइपोथैलेमस हो गई और आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड हो गई, ठीक है। नेक्स्ट ग्लैंड की हम बात करें तो नेक्स्ट आपकी पीनियल ग्लैंड, ठीक है, जो आपके हेड में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो पीनियल ग्लैंड की हम बात करें तो पीनियल ग्लैंड के अंदर एक सिंगल हार्मोन रिलीज करते हैं जिसका नाम आपका मेलाटोनिन, क्या सीक्रेट करते हैं आपका मेलाटोनिन हार्मोन सीक्रेट करते हैं। हमारे बॉडी के अंदर जो आपका सर्कैडियन रिदम होता है 24 आवर डे और नाइट जो साइकिल्स होते हैं उसको रेगुलेट करने का काम कौन करता है, आपका मेलाटोनिन हार्मोन करता है, कि कब हमें अवेक होना है, कब हमें स्लीप काज होगी, तो वो कौन रेगुलेट करेगा, आपका मेलाटोनिन हार्मोन क्या करेगा, रेगुलेट करेगा। और जो मेलाटोनिन हार्मोन है वो आपका सिक्रेट होता है आपकी पीनियल ग्लैंड, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें पीनियल ग्लैंड की बात, नेक्स्ट ग्लैंड थायरॉइड ग्लैंड की बात करें, थायरॉइड ग्लैंड की बात करें, आपकी थायरॉइड ग्लैंड के अंदर दो टाइप की सेल्स होती है, एक आपकी पैराफोलिकुलर सेल्स, एक आपकी फोलिकुलर सेल्स। तो फोलिकुलर सेल्स दो हार्मोन रिलीज करते हैं, T3 एंड T4 हार्मोन सीक्रेट करती है, और आपकी पैराफोलिकुलर सेल्स एक सिंगल हार्मोन सीक्रेट करते हैं जिसको हम कैल्सिटोनिन के नाम से। नेक्स्ट हम बात करें आपकी थायरॉइड ग्लैंड के जस्ट बिहाइंड आपकी पैराथायरॉइड ग्लैंड प्रेजेंट होती है, ओवल शेप की होती है, 4 इन नंबर में होती है। तो नेक्स्ट आपकी पैराथायरॉइड ग्लैंड है, ये आपके एक सिंगल हार्मोन सीक्रेट करती है, पैराथायरॉइड हार्मोन। तो आपकी पैराथायरॉइड ग्लैंड एक सिंगल हार्मोन रिलीज करती है, पैराथायरॉइड हार्मोन क्या करते हैं आपका रिलीज करते हैं। नेक्स्ट हम बात करें आपकी थायमिन ग्लैंड, थायमस की बात करें तो थायमस क्या करती है, एक सिंगल हार्मोन रिलीज करते हैं, थायमोसाइन, ठीक है। नेक्स्ट ग्लैंड है आपकी थायमस की, थायमस ग्लैंड भी एक सिंगल हार्मोन करते हैं, थायमोसाइन, ठीक है, एक सिंगल हार्मोन जो आपके थायमोसाइन है, या आपकी इम्यूनिटी के फंक्शन को क्या करता है, इम्यूनिकल जो सिस्टम होता है उसके अंदर फंक्शन को क्या करता है, आपका इम्यून जो सिस्टम है उसको क्या करता है, स्ट्रॉन्ग करता है। नेक्स्ट हम बात करें, नेक्स्ट जो ग्लैंड है वो आपकी पैंक्रियास ग्लैंड, नेक्स्ट आपकी पैंक्रियास ग्लैंड। तो पैंक्रियास ग्लैंड की बात करें तो पैंक्रियास ग्लैंड के अंदर क्या होता है, आपकी डिफरेंट टाइप की सेल्स होती है, एक होती है आपकी अल्फा सेल्स, एक होती है आपकी बीटा सेल्स, जो मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया हुआ है, अल्फा बीटा डेल्टा एंड एफ। अल्फा सेल्स का रिलीज करके आपका ग्लूकागोन रिलीज करती है, बीटा सेल्स का रिलीज करती है आपका इंसुलिन हार्मोन रिलीज करती है, और डेल्टा सेल्स का रिलीज करती है आपका सोमैटोस्टेटिन रिलीज करती है, सोमैटोस्टेटिन हार्मोन रिलीज करती है, और आपकी जो एफ सेल है वो आपका सीक्रेट करती है पैनक्रियाटिक पेप्टाइड, पैनक्रियाटिक पेप्टाइड हार्मोन सीक्रेट करती है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी अल्फा ग्लूकागोन बीटा इंसुलिन डेल्टा सोमैटोस्टेटिन और आपकी जो एफ सेल है वो आपका पैनक्रियाटिक पेप्टाइड क्या करती है, रिलीज करती है। मैंने डायरेक्टली कहा कि आपके हॉर्मोन सीक्रेट कौन सी सेल्स का सीक्रेट कर रहे हैं वो नहीं होता, ठीक है। तो आपकी जो पैनक्रियास ग्लैंड है ग्लूकागोन इंसुलिन सोमैटोस्टेटिन और आपका पैनक्रियाटिक पेप्टाइड क्या करती है, जो है हॉर्मोन्स है उसको क्या करती है, रिलीज करती है।
नेक्स्ट हम बात करें, नेक्स्ट जो ग्लैंड है आपकी वो है आपकी एड्रेनल ग्लैंड। तो आपकी जो एड्रेनल जो ग्लैंड है इसके अंदर भी हमने बताए थे दो पार्ट पर ग्लैंड होते हैं, एक इनर टिश्यू एक आपका आउटर टिश्यू। आउटर जो होता है उसको हम कोर्टेक्स के नाम से जानते हैं, एड्रेनल कोर्टेक्स के नाम से जानते हैं, और जो इनर जो पार्ट होता है उसको हम एड्रेनल मेडुला के नाम से जानते हैं। तो आपका एड्रेनल कोर्टेक्स डिफरेंट जो आपके हॉर्मोन्स है उनको सिक्रेट करता है, और जो मेडुला है वो आपके डिफरेंट जो आपके हॉर्मोन्स है उसको सिक्रेट करता है। अगर हम एड्रेनल कोर्टेक्स की बात करें तो आपका जो एड्रेनल कोर्टेक्स है तीन हॉर्मोन सिक्रेट करता है, एक आपका ग्लूकागॉन, एक आपका कोर्टिसोल रिलीज करता है, एक आपका एल्डोस्टेरोन रिलीज करता है, और एक आपका सेक्स हार्मोन रिलीज करता है। अगर हम एड्रेनल मेडुला की बात करें तो आपका एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन, एक आपका कोर्टिसोल और एक है आपका सेक्स हार्मोन। ठीक है, तीन हार्मोन सेक्स हार्मोन के अंदर आपका एस्ट्रोजन रिलीज करता है। ठीक है, तो एल्डोस्टेरोन आपका मिनरल कोर्टिकोइड हार्मोन है, मिनरल कोर्टिकोइड में ह्यूमंस के अंदर जो होता है वो आपका एल्डोस्टेरोन होता है। अगर हम ग्लूकाकोर्टिकोइड्स की बात करें तो ग्लूकाकोर्टिकोइड्स कौन सा होता है, आपका कोर्टिसोल हार्मोन होता है। तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हो कि आपका मिनरल कोर्टिकोइड हार्मोन, कोर्टिकोइड हार्मोन, और इसको हम ग्लूकोकोर्टिकोइड हार्मोन। ठीक है, कोइड का मतलब क्या होता है, कोइड का मतलब होता है आपका लिक्विड। ठीक है, तो आपके जो एल्डोस्टेरोन है, कोर्टिसोल है और सेक्स हार्मोन है आपके क्या है, लिपिड बायोमोलेक्यूल से मिलकर बने होते हैं, लिपिड्स डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो कोइड का मतलब होता है आपका लिपिड्स। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें, ये तो आपके कोर्टेक्स के हार्मोन हो गए, आपके तीन सेल्स पर डिपेंड होते हैं, जैसे जोना फैसिकुलेटा, जोना रेटिकुलेटा और GFR एक ग्लोमेरुलस। ठीक, ग्लोमेरुलस से आपका एल्डोस्टेरोन होता है, एफ से वेसिकुलेटा से आपका कोर्टिसोल रिलीज होता है, और आपकी जोना रेटिकुलेटा से क्या होता है, आपका सेक्स हार्मोन रिलीज होता है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें आपके एड्रेनल मेडुला की बात करें तो आपकी एड्रेनल मेडुला दो हार्मोन सिक्रेट करती है, एक आपका एपिनेफ्रिन, सेकंड आपका नॉन एपिनेफ्रिन। ठीक है, इनको हम स्ट्रेस हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, तो आपका एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन। ठीक है, एपिनेफ्रिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन, इसको हम एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन हार्मोन के नाम से जानते हैं। आपका जो एपिनेफ्रिन है इसको हम एड्रेनलिन के नाम से जानते हैं, और आपका जो नॉन एपिनेफ्रिन है इसको हम नॉन एड्रेनलिन हार्मोन के नाम से। तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हो एड्रेनलिन हार्मोन, और ये आपका कौन सा है, नॉन एड्रेनलिन हार्मोन। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें, नेक्स्ट आपके जो है एंडोक्राइन ग्लैंड है वो आपकी है ओवरी एंड टेस्टिस। तो आपकी जो टेस्टिस है एक सिंगल हार्मोन आपका मेल सेक्स हार्मोन को रिलीज करते हैं, जिसको हम टेस्टोस्टेरोन के नाम से जानते हैं, और आपकी जो ओवरी है वो आपके एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन को क्या करती है, रिलीज करती है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करें, यहाँ पे मैं थोड़ा अलग जो नाम है उनको एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन को नोट कर देता हूँ, ताकि आपके नेक्स्ट ग्लैंड के हार्मोन चले। तो नेक्स्ट है आपकी ओवरी ग्लैंड, सेकंड है आपकी आपकी टेस्टिस। ये तो आपकी ओवरी आपका रिलीज करती है एस्ट्रोजन को, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन रिलीज करती है, और जो टेस्टिस जो ग्लैंड है वो आपका रिलीज करती है मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, क्या रिलीज करती है, आपका टेस्टोस्टेरोन रिलीज। ठीक है, तो हमने फर्स्ट ग्लैंड, सेकंड ग्लैंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन और टेन, इन टेन ग्लैंड के बारे में हमें स्टडी करना था, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में बताया था। फर्स्ट हमें ग्लैंड का नाम पता होना चाहिए, सेकंड हमें पोजीशंस का नाम पता होना चाहिए, और थर्ड हमें उनके हॉर्मोन्स पता, कौन से हॉर्मोन्स सीक्रेट करते हैं। तो थर्ड हमें देखना है कि कौन से हॉर्मोन सीक्रेट करते हैं, फोर्थ हमें देखना है कि किस हॉर्मोन का फंक्शंस क्या होता है, कि आपके बॉडी में बिलिरुबिन का फंक्शंस क्या होता है, एडीएच का फंक्शंस क्या होता है, ऑक्सीटोसिन का फंक्शन परफॉर्म करता है, T3 NT4 हॉर्मोन का क्या फंक्शंस होता है। फिफ्थ हमें क्या देखना है कि ये हॉर्मोन्स अगर हमारी बॉडी में हाइपर सिक्रेशन हो या फिर हाइपो सिक्रेशन हो तो क्या डिसऑर्डर्स आते हैं।
ठीक है। तो हमें डिसऑर्डर्स के बारे में बताना चाहिए, तो एक चार्ट बना लेना जो मैंने अभी बनाया है। आपके ग्लैंड के नेम मतलब यहाँ पे लिख लेना ग्लैंड नेम, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आपका लिखोगे ग्लैंड नेम के बाद हॉर्मोन्स, ठीक है, कौन से हॉर्मोन्स क्या करते हैं वो सिक्रेट करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट कॉलम के अंदर आपके हॉर्मोन्स के नेम, यहाँ पे सीरियल नंबर 1-10 और यहाँ पे क्या करोगे आप हॉर्मोन्स के नाम, ठीक है। तो एक दो बार आप अगर रिवाइज करोगे तो आपको टिप्स में हो जाएगी कि कौन सी ग्लैंड कौन सी हॉर्मोन सिक्रेट करते, ठीक है। तो आपके अगर हम आपके एग्जाम की बात करें या फिर आपके किसी कम्पिटेटिव एग्जाम की बात करें तो आपका 1-2 क्वेश्चन आपका जरूर आता है। अगर हम शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो आपका शॉर्ट क्वेश्चन जो आपके फर्स्ट जो कंपलसरी क्वेश्चन होता है उसमें जो आपके 8 क्वेश्चन था तो उसमें से एक क्वेश्चन इस टेबल में से 100% आएगा कि कौन सी ग्लैंड कौन सा हॉर्मोन सिक्रेट करती है या फिर उस हॉर्मोन का फंक्शन क्या होता है, ऑस्मोरेगुलेशंस में कौन सा हॉर्मोन हेल्प करता है, मिल्क इजेक्शन में कौन हेल्प करता है, मिल्क प्रोडक्शन में कौन हेल्प करता है, स्ट्रेस हॉर्मोन को हम किस नाम से कौन सा स्ट्रेस हॉर्मोन है, आपके बॉडी के अंदर ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज कौन करता है डिक्रीज कौन करता है, कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन को डिक्रीज और इंक्रीज कौन करता है, सोडियम आयन के रिटेंशन में कौन हेल्प करता है। तो आप एक बार हम पढ़ेंगे ईच एंड एवरी हॉर्मोन्स के बारे में तो आपको भी पता लग जाएगा किस हॉर्मोन का फंक्शन क्या होता है और हमारी बॉडी में कब रिलीज होते हैं। और ये भी मैंने आपको बताया था कि आपके जो हॉर्मोन्स है इनके जो रिसेप्टर्स होते हैं वो आपके क्या होते हैं फार डिस्टेंस पे होते हैं, दैट्स व्हाई इनके अंदर जो आपकी सिग्नलिंग होती है वो आपकी पैराक्राइन सिग्नलिंग होती है। तो नेक्स्ट हम 1/1 हम आपके हॉर्मोन्स के फंक्शन की बात करते हैं तो आपके रिलीजिंग और इनहिबिटरी हॉर्मोन बताया था कि आपके जो जितने भी हॉर्मोन्स है आपकी एंटीरियर पिट्यूटरी को उनको रेगुलेट कौन करता है आपके हाइपोथैलेमस रेगुलेट, बट सेकंड हमने बताया था कि पोस्टीरियर जो आपकी पिट्यूटरी होती है आपकी वो आपके हॉर्मोन सिक्रेट नहीं करती बट इनको क्या करती है स्टोर करके रखती है, आपका जो वैसोप्रेसिन है ऑक्सीटोसिन है वो प्रोड्यूस करते हैं आपकी हाइपोथैलेमस के अंदर। दो टाइप की सेल्स होती है, ठीक है, एक होती है आपकी पैराबेंट्रिकुलर सेल्स जो क्या सिक्रेट करती है आपकी वैसोप्रेसिन को सिक्रेट करती है और आपके ऑक्सीटोसिन को क्या करती है सिक्रेट। नेक्स्ट हम फंक्शंस की बात करें तो फर्स्ट हम बात करते हैं आपके वैसोप्रेसिन की बात करें पोस्टीरियर पिट्यूटरी से स्टार्ट करते हैं तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी का जो हार्मोन है वो आपका ADH4, ठीक है, एंटी डायुरेटिक फंक्शंस की बात करें तो फंक्शंस क्या होते हैं आपका ADH का वैसोप्रेसिन का रिटेंशन ऑफ वाटर इन बॉडी, हमारी बॉडी में क्या करता है वाटर को रिटेंशन करने में। तो अब आपको कंसेप्चुअल पता होना चाहिए कि आपके बॉडी में जो ADH कब रिलीज होगा। जैसे हम बात करें आपने डिहाइड्रेशन कंडीशन से जैसे आपने फास्ट किया है और आपने पूरे दिन से पानी नहीं पिया तो आपकी बॉडी के अंदर वाटर की जो लेवल है वो आपकी होना स्टार्ट हो जाएगी डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाएगी, आपकी बॉडी डिहाइड्रेट होना स्टार्ट। तो आपकी बॉडी के अंदर उस टाइम आपके नॉर्मल कंडीशंस की बात करें तो 70% जो वाटर है वो आपकी नॉर्मल प्रेजेंट होता है आपकी सेल्स, आपने पूरे दिन से वाटर ड्रिंक नहीं किया है तो आपकी जो वाटर की जो लेवल आपकी डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी, आपकी बॉडी डिहाइड्रेट होना स्टार्ट। तो उस डिहाइड्रेशन कंडीशन में जैसे आपकी वाटर के अंदर आपकी 50% वाटर हो गया आपकी सेल्स के अंदर, तब इस 50% को दोबारा से नॉर्मल करने के लिए 70% करने के लिए आपकी बॉडी एक हॉर्मोन सिक्रेट करते हैं जिसको हम ADH हॉर्मोन के नाम से आते हैं एंटी डायुरेटिक हॉर्मोन के नाम से। तो आपका जो ADH कब रिलीज होगा जब आपके बॉडी में क्या हो वाटर की लेवल कम, क्या करेगा रिटेंशन ऑफ वाटर कि आपका जो एक्सेस जो वाटर का लॉस हो रहा है उस एक्सेस वाटर के लॉस को क्या करेगा आपको प्रिवेंट करेगा। जैसे हम बात करें आपकी यूरिन के अंदर जो आपका वाटर रिलीज हो रहा है यूरिन को एक्सक्रीट आउट करने के लिए तो वो आपका जो ADH है उसके रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं आपकी किडनी के पास, ठीक है, तो वो किडनी के पास जाएगा आपका ब्लड से ट्रेवल करता हुआ ADH आपकी किडनी तक जाएगा और आपकी किडनी में DCT जो होता है आपका डिस्टल कन्वर्टेड जो ट्यूबुल्स होता है
ठीक है, तो उसके पास उसके रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं और वहां पे जाके क्या करते हैं, आपको जो रीअब्जॉर्प्शन है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, आपका जो वाटर का जो रीअब्जॉर्प्शन है उसको क्या करते हैं आप, इंक्रीज कर देगा, इंक्रीज दी रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। मान लो आपकी डीसीटी के अंदर, आपकी ग्रीन के अंदर जो एक्सेस वाटर जो लॉस होता है उसको क्या कर देगा, रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज, जिसके कारण जो वाटर लॉस हो रहा था वो आपका क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, सेव होना स्टार्ट हो जाएगा और वाटर की कुछ लेवल आपकी क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी, आपकी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि एक्सेस वाटर अब आपका लॉस नहीं होगा क्योंकि आपका रीअब्जॉर्प्शन स्टार्ट होगा। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें कब सीक्रेट होगा या फिर कब सीक्रेट नहीं होगा। जैसे हम बात करें आपके फियर की बात करें, जैसे डर की बात करें, जैसे आपका एग्जाम टाइम है, 3 आवर्स आपका एग्जाम है, तो ड्यूरिंग दी एग्जाम टाइम, अगर आपका कोई एंट्रेंस एग्जाम कोई भी एग्जाम है, तो ड्यूरिंग एग्जाम टाइम आपको फियर फील होता है, तो उस फियर के टाइम में भी क्या होता है, आपका एडीएच हार्मोन रिलीज होता है, उस टाइम आपको आपके माइंड में ये नहीं आता कि मैं वॉशरूम जाऊँ तो लेकर, क्योंकि उस टाइम आपका एडीएच रिलीज होगा, वो क्या करेगा, रीअब्जॉर्प्शन और वाटर को इंक्रीज कर देगा, जिसके कारण आपका जो यूरिन है, यूरिन के अंदर जो वाटर था वो आपका क्या होना स्टार्ट होगा, रीअब्जॉर्ब होना स्टार्ट। तो फियर के टाइम भी होता है। सेकेंड कब रिलीज होगा, जब आपका पर्सपिरेशन क्या हो ज्यादा हो, आपकी बॉडी में स्वेटिंग क्या हो ज्यादा होने स्टार्ट हो जाए, तो उसमें आपका वाटर है एक्सेस अमाउंट में लॉस हो रहा है आपकी बॉडी से, तो उस टाइम आपकी बॉडी में वाटर के लेवल को मेंटेन करने के लिए क्या रिलीज होगा, आपका एडीएच हार्मोन रिलीज होगा। ठीक है, याद रखना इम्पोर्टेंट है, मोस्टली आपके एग्जाम में पूछा जाता है एडीएच हार्मोन के बारे में, तो फंक्शन याद रख लेना, रिटेंशन ऑफ वाटर। कैसे रिटेन करता है, आपका रीअब्जॉर्प्शन और वाटर को इंक्रीज कर देगा किडनी के अंदर। कब रिलीज होगा, फियर के टाइम रिलीज होगा, जब वाटर की डिहाइड्रेशन कंडीशंस होगी, जैसे आप किसी माउंटेन पे चढ़ाई कर रहे हो, तो उस टाइम आपकी बॉडी से वाटर एक्सेस हो रहा है आपके पर्सपिरेशन के अंदर, स्वेटिंग के अंदर, तो उस टाइम आपकी बॉडी के अंदर वाटर की लेवल को क्या करने के लिए, मेंटेन करने के लिए क्या रिलीज होगा, आपका एडीएच होगा। इसे इसके अलावा आपके एग्जाम फियर है, कोई भी फियर है, तो फियर के टाइम में आपको ध्यान ही नहीं रहता कि आपको वॉशरूम भी जाना है, टॉयलेट जाना है, तो उस टाइम क्या रिलीज होता है, आपका एडीएच हार्मोन रिलीज होता है, जो क्या करता है, वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को क्या करता है, इंक्रीज करता है, तो आपके एडीएच के जो हॉर्मोन्स के जो रिसेप्टर्स है वो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं आपके किडनी के पास। सेकेंड हम बात करें, सेकेंड जो हॉर्मोन होता है वो होता है आपका ऑक्सीटोसिन, जो आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी रिलीज करता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन की बात करें तो इतना लिख सकते हैं, ऑक्सीटोसिन हार्मोन आपकी पोस्टीरियर पिट्यूटरी रिलीज करती है, और आपका जो ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है इसका फंक्शन क्या होता है, आपका मिल्क इजेक्टिंग में होता है, ठीक है, मिल्क इजेक्शन में हेल्प करती है। ठीक है, अगर हम फंक्शंस की बात करें तो आपका फंक्शंस क्या है, मिल्क इजेक्शंस में हेल्प करता है। ठीक है, आफ्टर दी पार्चुरेशन, जैसे बेबी का बर्थ होता है, तो आपकी जो मेमोरी ग्लैंड से जो ब्लड है उसको इजेक्ट करने में कौन हेल्प करता है, आपकी ऑक्सीटोसिन हार्मोन। इसके अलावा बिफोर दी आपके पार्चुरेशन, ड्यूरिंग दी प्रेगनेंसी, ठीक है, लास्ट टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, आपकी जो प्रेगनेंसी है 3 ट्राइमेस्टर के अंदर आपकी डिवाइडेड है, एक होता है आपका ट्राइमेस्टर फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो फर्स्ट जो ट्राइमेस्टर होता है प्रेगनेंसी के फर्स्ट जो 3 मंथ होते हैं उसको हम ट्राइमेस्टर फर्स्ट के नाम से जानते हैं, नेक्स्ट जो आपके 4th, 5th, 6th मंथ होते हैं उसको ट्राइमेस्टर सेकंड के नाम से जानते हैं, और 7th, 8th और 9th जो आपका प्रेगनेंसी का पीरियड होता है उसको हम ट्राइमेस्टर थर्ड के नाम से। जैसे आपका ट्राइमेस्टर थर्ड होता है प्रेगनेंसी का, आपके जो ऑक्सीटोसिन के जो रिसेप्टर्स है वो आपके बात करें आपकी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के ऊपर क्या होना इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाते हैं उसके रिसेप्टर्स एट द टाइम ऑफ थर्ड ट्राइमेस्टर 7, 8 एंड 9, इनके रिसेप्टर्स इंक्रीज हो जाते हैं यहाँ पे आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। क्यों, आपकी जो लेबर जो पेन है, लेबर पेन, ठीक है, तो लेबर पेन को इलाज करता है आपका ऑक्सीटोसिन का। तो दो फंक्शन है, एक आपका मिल्क इजेक्टिंग में हेल्प करता है, सेकंड आपका लेबर पेन में हेल्प करता है ड्यूरिंग दी पार्चुरेशन, जो लेबर पेन क्रिएट कराता है, काज कराता है, वो कौन करता है आपका ऑक्सीटोसिन का। और आपके जो ऑक्सीटोसिन के जो रिसेप्टर है लास्ट 3 ट्राइमेस्टर में क्या स्टार्ट हो जाते हैं, आपके स्टिमुलेट होना स्टार्ट हो जाते हैं, इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें अगर ऑक्सीटोसिन की, ये तो हमने जो फंक्शंस बताए इसमें आपने फीमेल्स के अंदर,
इसमें फंक्शन है तो मेल में फंक्शन। अगर हम बात करें मेल की बात करें तो मेल के अंदर आपका जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है इसका कोई फंक्शन नहीं होता, नो रोल इन मेल, नो रोल इन मेल के अंदर इनका कोई भी रोल नहीं होता। ठीक है, तो सेकंड हार्मोन आपकी पोस्टर प्यूबर्टी का वो है आपका ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट जो ग्लैंड आपकी वो है आपकी पीनियल ग्लैंड, जो कि एग में ही प्रेजेंट होती है। और पीनियल ग्लैंड क्या करती है, एक सिंगल हार्मोन रिलीज करती है जिसको हम मेलाटोनिन के नाम से। तो नेक्स्ट हार्मोन है आपका मेलाटोनिन। मेलाटोनिन हार्मोन की बात करें तो मेलाटोनिन जो हार्मोन है इसका फंक्शंस की बात करें तो आपकी बॉडी के अंदर 24 आवर जो साइकिल है उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है। इसको हम डे और नाइट साइकिल के नाम से जानते हैं, डे नाइट साइकिल के नाम से भी जानते हैं, और इसको हम सर्कैडियन रिदम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो आपकी जो सर्कैडियन जो रिदम होती है, डे नाइट जो साइकिल होते हैं, 24 जो आवर साइकिल है उसको मेंटेन करने में कौन हेल्प करता है, आपका मेलाटोनिन हार्मोन। जैसे हम बात करें आपकी जो मेलाटोनिन है वो आपके स्लीपिंग कर्व पर होता है। अगर आपके बॉडी में मेलाटोनिन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है तो आपको नींद आना स्टार्ट हो जाती है। जैसे हम बात करें ग्राफ की हेल्प से हम मेलाटोनिन हार्मोन के फंक्शंस को हम अगर बताना चाहे तो आपका जो एक्स एक्सिस है इसमें हम रिप्रेजेंट करेंगे हम टाइम को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और आपका जो वाई एक्सिस है इसका हम रिप्रेजेंट करेंगे आपकी अमाउंट या फिर कंसंट्रेशन ऑफ मेलाटोनिन। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ मेलाटोनिन आपका जो मेलाटोनिन है उसकी कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो आपके ड्यूरिंग दिस स्लीप टाइम जब आप सोना स्टार्ट करते हो जैसे आपके बॉडी के अंदर क्या हो मेलाटोनिन की जो कंसंट्रेशन है वो आपकी हाई कंसंट्रेशन होगी तो हमारे को क्या होगी नींद आना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, जैसे जैसे हम बात करें आपकी कंसंट्रेशन क्योंकि आपकी मैक्सिमम कंसंट्रेशन है ड्यूरिंग दिन जब आप स्लीप करते हो, जैसे जैसे आपकी कंसंट्रेशन है वो आपकी डिक्रीज होना स्टार्ट होगी, जैसे वो डिक्रीज होगी आप क्या हो जाओगे अवेक हो जाओगे, आप जाग जाओगे। तो आपकी स्लीपिंग मोड का आंसर आ रहा है हाई अमाउंट ऑफ मेलाटोनिन। जैसे आपकी बॉडी के अंदर मेलाटोनिन की अमाउंट होगी तो आप क्या कर रहे हो अवेक कर। जैसे हम बात करें टाइम पीरियड की बात करें तो मैक्सिमम जो परसेंट है वो आपका 8 आवर तक स्लीप करता है, कोई इंडिविजुअल 7 आवर 6 5 4 3 2 1। तो आप देखते हो कि आप रात को जब सोते हो तब जब आपकी बॉडी के अंदर मेलाटोनिन की अमाउंट क्या होती है आपकी ज्यादा अमाउंट। ठीक है, जैसे आप कब उठ जाते हो अपने आप अवेक हो जाओगे जब आपकी बॉडी के अंदर क्या हो आपका मेलाटोनिन की जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाए आपकी डिक्रीज हो जाए। ठीक है, तो आपका जो स्लीप का आंसर हो रहा है वो आपका मेलाटोनिन हार्मोन करा रहा है। जैसे आपकी बॉडी में इसकी कंसंट्रेशन कम होगी आप क्या हो जाओगे अवेक हो जाए। इसके अलावा जैसे हम बात करें जैसे आपका कोई एग्जाम होता है आप बहुत ही कॉन्शियस हो कि मेरे को सुबह 4 बजे उठना है या 5 बजे उठना है, किसी भी टाइम आपको उठना है, आप बिना अलार्म के आप उसी टाइम उठ जाते हो। क्यों? क्योंकि उसके पीछे जो रिस्पॉन्सिबल है आपका मेलाटोनिन हार्मोन है। वो जब ही होगा जब आप 100% डिटरमाइंड हो कॉन्शियस हो कि मेरे को उठना ही। आपने देखा भी होगा कि आप विदाउट अलार्म के आप उसी टाइम एग्जैक्ट टाइम आपके होते हैं आपकी आपका मेलाटोनिन हार्मोन। इसके अलावा हम बात करें जैसे आपने देखा होगा आपके जो छोटे बच्चे होते हैं आपके 6 to 7 months तक थर्ड मंथ तक की बात करें थर्ड फोर्थ फिफ्थ मंथ तक की बात करें तो आपने देखा होगा कि बच्चे आपके सोते ही रहते हैं 10 hours 12 hours 24 hours में से 18 hours तक वो स्लीप करते हैं। क्यों? क्योंकि आपका जो मेलाटोनिन जो हार्मोन है वो चिल्ड्रन के अंदर आपका इन चिल्ड्रन आपका लार्ज अमाउंट में सीक्रेट होते हैं लार्ज सीक्रेट जिसके कारण जो बच्चे वो आपके 18 hours तक क्या करते हैं आपके स्लीप करते हैं। इसके अलावा हम बात करें जैसे आपने अपने घर में भी आपके जो ग्रैंडफादर है ग्रैंड मदर है वो आपका अक्सर कंप्लेंट करते रहते हैं कि मेरे को नींद नहीं आती। क्यों? क्योंकि आपकी जो मेलाटोनिन जो हार्मोन है इसका जो सिक्रेशन है जैसे जैसे एज इंक्रीज होती है आपके मेलाटोनिन हार्मोन का जो सिक्रेशन है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। और डिक्रीज सिक्रेशन ऑफ मेलाटोनिन हमने बताया था जब तक हाई कंसंट्रेशन होगी आपको नींद नहीं आएगी, जैसे उसकी कंसंट्रेशन कम है पर्सन अपने आप को ज्यादा हो महसूस। ठीक है, इसके अलावा जैसे इसको हम रिलेट करें जैसे आपने एक मूवी भी देखी होगी जिसमें आपका ये गाना है
इत्र गुलाब हो जरा इत्र गिरा दे, तो आपने देखा होगा कि उसमें आपका जो हीरो होता है और हीरोइन होता है दोनों को एक डिसऑर्डर्स होता है। कौन सा डिसऑर्डर्स होता है आपका? इनसोमिया डिसऑर्डर्स होता है। मीन्स उन पर्सन के अंदर जो आपके मेलाटोनिन है या तो उनका सिक्रेशन नहीं हो रहा या फिर इनके जो रिसेप्टर्स है वो आपके क्या है डिफेक्टेड है, जिसके कारण उनको नींद ही नहीं आती। ठीक है, तो अगर मेलाटोनिन की अगर डेफिशिएंसी की बात करें तो पर्सन के अंदर क्या होता है आपका इनसोमिया होता है। आप एग्जांपल जैसे मैंने बताया जैसे आपका जो शायद गुलाबो ही मूवी का नाम शायद आई थिंक बताया गुलाबो ही है शायद गुलाबो जरा इतने जगाते तो उसमें आपका जो शाहिद कपूर होता है और आपका नाम क्या है कोई हो। ठीक है, तो आपका उनके अंदर क्या होता है इंसोमिया डिसऑर्डर होता है, वो किसके कारण होता है मेलाटोनिन हार्मोन के कारण होता है। ठीक है, चिल्ड्रन के अंदर जो मेलाटोनिन है ज्यादा सीक्रेट होता है इसलिए बच्चे ज्यादा टाइम सोते हैं। अगर हम ओल्ड एज के पर्सन की बात करें जैसे हम अपने घर में भी देखते हैं अक्सर आपके ग्रैंड फादर की बात करें ग्रैंड मदर की बात करें तो उनके अंदर जो आपका मेलाटोनिन है वो आपका लेस अमाउंट में सीक्रेट होता है जिसके कारण आपकी क्या होती है नींद गई होती है। जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा आपकी स्लीपिंग टाइम इंक्रीज होगा आपकी जो मेलाटोनिन की जो कंसंट्रेशन है वो आपकी क्या होगी डिक्रीज होगी और पर्सन अपने आप से जाएगा आपका अवेक हो जाएगा। इसके अलावा हम सेकंड आपका जो एक ग्राफ है आपका स्लीपिंग जो हावर जो टाइम है इसको हम ग्रोथ हार्मोन से रिलेट करते हैं। ग्रोथ हार्मोन आपके मेलाटोनिन हार्मोन का उल्टा होता है। ठीक है, तो मेलाटोनिन का जो ग्राफ मिलेगा और आपको क्या मिलेगा उल्टा ग्राफ मिलेगा। ठीक है, जब आप जाग रहे हो उस टाइम आपका जो ग्रोथ हार्मोन है आप जब स्लीप करते हो उस टाइम आपके बॉडी के अंदर जो ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन है वो आपका क्या होता है लो अमाउंट में सिक्रेट होता है। बट अगर हम बात करें आपके अवेकिंग टाइम की बात करें तो उस टाइम जो ग्रोथ हार्मोन की कंसंट्रेशन है वो आपकी क्या होती है मैक्सिमम कंसंट्रेशन। दैट्स व्हाई आपने किसी ने सुना भी होगा या फिर आपको मोस्टली लोग आपको एडवाइस भी करते होंगे कि आपको जो एक्सरसाइज है वो आपको डे टाइम करनी चाहिए, रनिंग वगैरह कोई भी एक्सरसाइज आपको डे टाइम करनी चाहिए क्योंकि डे टाइम में क्या होता है आपका जो ग्रोथ जो हार्मोन है वो आपको क्या होता है मैक्सिमम होता है। दैट्स व्हाई एडवाइस भी होते हैं कि मॉर्निंग टाइम में क्या करना चाहिए हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो ये सब याद रख लेना, मेलाटोनिन हार्मोन में मेन फंक्शन याद रख लेना आपकी डे नाइट जो साइकिल है उसको रेगुलेट करने में कौन हेल्प कर रहा है मेलाटोनिन हार्मोन। ठीक है, डिसऑर्डर हमने अभी बता दिया, वैसे बाद में भी बताएंगे जब सभी ग्लैंड के हॉर्मोन्स के डिसऑर्डर समझ में कौन सी ग्लैंड कौन सा डिसऑर्डर। नेक्स्ट ग्लैंड हम बात करें नेक्स्ट आपकी थायराइड ग्लैंड। ठीक है, थायराइड ग्लैंड हमने पहले भी पढ़ लिया है थोड़ा बहुत। तो थायराइड ग्लैंड के अंदर दो टाइप की सेल्स होते हैं, टू टाइप्स ऑफ सेल्स पढ़ते हैं बोलते हैं। एक जो टाइप आपकी वो आपकी फॉलिकुलर सेल फॉलिकुलर सेल, सेकेंड होते हैं आपकी पैरा फॉलिकुलर सेल। पैराफॉलिकुलर सेल एक सिग्नल हार्मोन सीक्रेट करती है कैल्सिटोनिन हार्मोन सीक्रेट करती है और आपकी फॉलिकुलर सेल को हार्मोन सीक्रेट करती है T3 and T4 हार्मोन। T3 T4 हार्मोन के फंक्शंस की बात करें तो इनका फंक्शन होता है मेटाबॉलिक रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन। कैल्सिटोनिन के फंक्शन की बात करें तो आपके बॉडी के अंदर जो कैल्शियम आयन की जो कंसंट्रेशन है उसको डिक्रीज करने में डिक्रीज कैल्शियम आयन इन ब्लड, आपका जो ब्लड है उसके अंदर जो आपकी कैल्शियम आयन की जो कंसंट्रेशन है उसको डिक्रीज करने का काम कौन करता है कैल्सिटोनिन। जैसे हम बात करें T3 और T4 हार्मोन की बात करें तो जैसे हम बात करें एक पर्सन से एक कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस में पड़ जाते हैं, एक जो पर्सन है वो आपके हार्श कंडीशन के अंदर मतलब हाई टेंपरेचर एरिया के अंदर पड़ जाते हैं टेम्परेट रीजन के अंदर पड़ जाते हैं। तो आपका जो कोल्ड क्लाइमेटिक जो कंडीशन में जो इंडिविजुअल जो प्रेजेंट होता है वो आपका कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन में जो इंडिविजुअल है उसके अगर हम बात करें बॉडी टेम्परेचर की बात करें उसकी मेटाबॉलिक रिएक्शंस की रेट की बात करें उसके अंदर जो मेटाबॉलिक जो रिएक्शंस का रेट होता है वो आपका हाई मेटाबॉलिक रेट होता है जिसके कारण जितनी ज्यादा मेटाबॉलिक रिएक्शंस होगी उतनी ज्यादा क्या होगी उसकी बॉडी के अंदर हीट प्रोड्यूस होगी और जितनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी उस कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस में अपने आप को सर्वाइव करने के लिए क्या होगी आपकी हेल्पफुल होगी। ठीक है, और आपके अगर हम बात करें T3 और T4 एक तो आपकी मेटाबॉलिक रिएक्शंस अगर हम कोल्ड कंडीशंस की बात करें अगर हम कोल्ड कंडीशंस में जाएंगे तो उस टाइम आपकी जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस है उसका रेट क्या रहेगा आपका इंक्रीज हो जाएगा। या फिर हम बात करें जैसे आपको एक पर्सन की बात करें एक पर्सन
एक टैंक के अंदर अगर मोर देन 15-20 हवर अगर उसके अंदर प्लेस करता है तो उसकी डेथ हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसकी जो मेटाबॉलिक रिएक्शन है वो आपकी स्टॉप हो जाएगी ड्यू टू उसका जो बॉडी का जो टेम्परेचर आपका मेंटेन नहीं हो पाएगा। बॉडी का टेम्परेचर आपका इंक्रीज हो या डिक्रीज हो तो आपकी बॉडी के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वो एंजाइम्स आपके प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, आपकी प्रोटीन डीनेचर होना स्टार्ट हो जाएगी और आपकी जो प्रोटीन है वो डीनेचर हो जाएगी तो आपकी जो एंजाइम की कैटालिटिक जो सारी होती है वो आपकी क्या जाएगी डिस्टर्ब हो जाएगी। आपके जो एंजाइम्स है उन कैटाबॉलिक रिएक्शंस को कैटाबलाइज नहीं कर पाएंगे जिसके कारण क्या हो जाएगी पर्सन की डेथ, आपके मेटाबॉलिक रिएक्शन नहीं हो पाएंगे। इसके अलावा हम बात करें आपके एक जो रीजन की बात करें, कोई पर्सन एकदम वीक होता है और एक पर्सन आपका बिल्कुल फैटी होता है, एक पर्सन बहुत कम खा रहा है फिर भी उसके अंदर फैट इंक्रीज होता जाता है, एक पर्सन है जो आपका कुछ भी नहीं खा रहा फिर भी उसके अंदर फैट इंक्रीज हो रहा है और एक जो पर्सन बहुत ज्यादा खा रहा है फिर भी क्या है उसका वेट है वो इंक्रीज नहीं हो रहा, किसके कारण? आपकी T3 एंटी 4 के कारण, आपका जो मेटाबॉलिक रिएक्शन है उसके कारण। जो वीक जो पर्सन होता है उसके अंदर जो मेटाबॉलिक रिएक्शन का जो रेट होता है आपका हाई मेटाबॉलिक रेट होता है, बट अगर हम फैटी पर्सन की बात करें तो उनके अंदर जो मेटाबॉलिक जो रेट होता है मेटाबॉलिक रिएक्शन का जो रेट होता है आपका स्लो होता है जिसके कारण उनकी बॉडी के अंदर जो फूड है वो डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ फैट इन द एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू के अंदर होना स्टार्ट हो जाता है आपका डिपॉजिट होना स्टार्ट। ठीक है, तो इस बार इतना फंक्शन याद रखिएगा, मेन जो फंक्शन है रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस, इसके अलावा जो अदर फैक्टर्स है जो आपके अफेक्ट करते हैं वो भी आपको बता। नेक्स्ट हम बात करें पैराफोलिकल सेल्स की बात करें, आपके कैल्सिटोनिन हार्मोन की बात करें, आपका जो कैल्सिटोनिन जो हार्मोन है आपके ब्लड के अंदर जो कैल्शियम आयन है उसके अमाउंट को डिक्रीज कर देता है। ठीक है, अगर हम बात करें जैसे आपके बहुत सारे पर्सन होते हैं बॉडी के अंदर एनर्जी के लिए क्या रखते हैं डिफरेंट टाइप की क्या रखती है मेडिसिन ले लेते हैं, ड्रग्स ले लेते हैं। जैसे आपने रिवाइटल की बात करो तो जो रिवाइटल है सलमान खान बहुत ऐड करता है, मोस्टली 95% जो आपके रिवाइटल को कंज्यूम करते हैं रिवाइटल ड्रग्स को कंज्यूम करते हैं 95% इंडिविजुअल्स को क्या है स्टोन, क्योंकि हम बात करें कोई भी इंडिविजुअल्स उसकी बॉडी के अंदर जो आपके आयंस है कोई भी आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं माइक्रो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हो अगर एक्सेस अमाउंट में अगर बॉडी के अंदर प्रेजेंट होंगे तो वो क्या होना स्टार्ट हो जाएंगे डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा और डिपॉजिट होकर क्या करेंगे आपकी स्टोन की फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, तो आपके एक्सेस कैल्सिटोनिन अगर आपके बॉडी में इंक्रीज ना हो आपके ब्लड में इंक्रीज ना हो अगर एक्सेस कैल्शियम आयन आपकी ब्लड वेसल्स के अंदर इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएंगे तो वो काज करेंगे क्या आपकी स्टोन को काज करेंगे। दैट्स व्हाई आपके ब्लड वेसल्स के अंदर जो कैल्शियम आयन है उसको डिक्रीज करने का काम करेगा कैल्सिटोनिन हार्मोन। कैल्सिटोनिन कैसे करेगा डिक्रीज आपके जो एक्सेस जो कैल्शियम आयन है उसको डिपॉजिट करना स्टार्ट कर देगा आपकी बोन्स के अंदर डिपॉजिट स्टार्ट। ठीक है, तो एक्सेस कैल्शियम आयन को बोन के अंदर क्या करना स्टार्ट कर देगा डिपॉजिट करना स्टार्ट। नेक्स्ट ग्लैंड की हम बात करें, नेक्स्ट ग्लैंड है आपकी थायराइड के बाद पैरा थायराइड, पैरा थायराइड ग्लैंड। तो आपकी जो पैराथायरॉइड ग्लैंड है एक सिंगल हार्मोन रिलीज करती है पैराथायरॉइड हार्मोन TTH हार्मोन क्या करती है रिलीज करती है और TTH हार्मोन का जो फंक्शन है वो आपका इंक्रीज कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन इन ब्लड। ये ब्लड के अंदर क्या करती है आपकी कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन को क्या करती है इंक्रीज। ठीक है, तो अगर आपके माइंड में एक क्वेश्चन होना चाहिए कि एक कैल्शियम आयन को रेगुलेट करने के एक सिंगल आपके मिनरल्स को रेगुलेट करने के लिए हमारी बॉडी दो क्या कर रही है हॉर्मोन्स को रिलीज कर रही है, बिकॉज जो फ्री कैल्शियम जो आयन हमारी बॉडी के अंदर वो कैसे होता है आपके टॉक्सिक होते हैं, फ्री कैल्शियम आयन आर टॉक्सिक हमारी बॉडी के अंदर कैसे होते हैं टॉक्सिक होते हैं टॉक्सिसिटी काज करते हैं, हमारी बॉडी में टॉक्सिसिटी काज ना हो दैट्स व्हाई आपके जो फ्री कैल्शियम आयन है वो आपके ब्लड में इंक्रीज ना हो, तो अगर इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाए तो आपका कैल्सिटोनिन आएगा ब्लड के अंदर कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन को क्या करेगा डिक्रीज करेगा। अगर आपकी डाइट के अंदर कैल्शियम आयन है ही नहीं बिल्कुल डिक्रीज है आपकी डाइट में आपने कैल्शियम आयन लिया ही नहीं है तो उस टाइम आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम आयन को इंक्रीज करने में कौन हेल्प करेगा पैराथायरॉइड हार्मोन, क्योंकि कैल्शियम आयन बहुत इंपॉर्टेंट क्या है आपका आयन है आपकी बॉडी के। ठीक है, हम कैल्शियम आयन की हम जब स्टडी करेंगे जब हम मसल्स कॉन्ट्रैक्शंस की बात करें जैसे मैं अपने हैंड को कॉन्ट्रैक्ट और लचीला पा रहा हूँ मसल्स के कारण तो इस मसल्स कॉन्ट्रैक्शंस में कौन हेल्प कर रहा है कैल्शियम आयन। इसके अलावा आपकी जो बोन फॉर्मेशन में टीथ फॉर्मेशन में कौन हेल्प करता है
कैल्शियम आयन हो, ठीक है। तो इसके मल्टीपल फंक्शन है, दैट्स व्हाई इसको रेगुलेट करने के लिए दो हार्मोन रिलीज करते हैं, एक आपका पैराथायरॉइड हार्मोन, एक आपका कैल्सिट्रोनिक हार्मोन। अगर आपको कंफ्यूजन हो कि पैराथायरॉइड हार्मोन कैल्शियम आयन की कंसेंट्रेशन को इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, पैराथायरॉइड आपका इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, तो उसके लिए एक ट्रिक आप ये आजमा सकते हो, लगा सकते हो कि आपका जो पैराथायरॉइड हार्मोन है इसका आपको क्या लेना है, पी पी को आपको रिलेट करना है परमोट से, कि आपका जो पैराथायरॉइड हार्मोन है वो आपको क्या करेगा, प्रमोट करेगा कैल्शियम आयन की कंसेंट्रेशन को इंक्रीज करके। आपका जो कैल्सिट्रोनिक हार्मोन है वो आपका उल्टा आपके कैल्शियम आयन की कंसेंट्रेशन को क्या करेगा, डिक्रीज करने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। इसके अलावा हम बात करें आपकी जो कैल्शियम आयन की बात करें, तो आपकी सेल के अंदर जो कैल्शियम आयन है वो आपके स्टोर रहते हैं एक ऑर्गेनेल है जिसको हम SER के नाम से जानते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके अंदर स्टोर होते हैं आपके SER के अंदर स्टोर रहते हैं, जब भी रिक्वायरमेंट होगी तो आपके जो स्टोर कैल्शियम आयन है वो आपके क्या होना स्टार्ट करेंगे, रिलीज होना स्टार्ट करेंगे आपके SER से, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके अलावा जब हम आपका जो मसल्स कॉन्ट्रेक्शन वाला जो पार्ट है उसमें हम स्टडी करेंगे, तो मसल्स के अंदर जो आपकी SER है वो आपकी कैसे होती है, मॉडिफाइड SER है, उसके अंदर हम क्या करेंगे, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो आपकी SER मसल्स के अंदर मॉडिफाइड होती है, मसल सेल्स के अंदर जो आपकी SER है उसको क्या करेंगे, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। आपके एक मार्क का क्वेश्चन आया भी है प्रीवियस पेपर में, व्हाट इज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो इट इज अ मॉडिफाइड SER इन मसल सेल्स। आपकी मसल सेल्स के अंदर क्या होता है, आपकी मॉडिफाइड SER होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो नेक्स्ट जो आपका हार्मोन था वो है आपका पैराथायरॉइड हार्मोन, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें, नेक्स्ट जो ग्लैंड है आपकी वो है आपकी थाइमस ग्लैंड, और थाइमस जो ग्लैंड है वो आपका सीक्रेट करती है एक सिंपल हार्मोन थाइमोसाइन। थाइमस जो ग्लैंड है एक सिंगल हार्मोन रिलीज करती है थाइमोसिन, थाइमोसिन हार्मोन रिलीज करती है। जो थाइमोसिन जो हार्मोन है इसका जो फंक्शन है इंक्रीज इम्यूनिटी, आपकी जो इम्यूनिटी है उसको इंक्रीज करने में हेल्प करता है। इम्यूनिटी कैसे इंक्रीज करेगा, आपकी जो बी सेल है, टी जो सेल्स है, बी टी जो लिम्फोसाइट्स है, उनके प्रोडक्शन को क्या करेगा, स्टिम्युलेट करता है। कैसे कैसे इम्यूनिटी इंक्रीज करता है, इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ इंक्रीज स्टिमुलेशन ऑफ बी एंड टी लिम्फोसाइट्स, ठीक है। आपके बी और टी जो लिम्फोसाइट्स हैं उनके प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है, और आपके बी और टी लिम्फोसाइट्स आपकी बॉडी को क्या करेंगे, इम्यूनिटी ड्राइव करेंगे। आपके बॉडी में कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स आएगा जो आपके इम्यून रिस्पॉन्स को इवोक करेगा, कोई भी एंटीजन, तो उनके अगेंस्ट आपकी एंटीबॉडी फॉर्म करेगी आपकी बी सेल्स, ठीक है। तो आपकी बी सेल्स एंटीबॉडी क्या करेगी, फॉर्म करेगी, और एंटीबॉडी आपके फॉरेन जो पार्टिकल है एंटीजन है उसको डिफरेंट प्रोसेस से क्या करेगी, इंगल्फ करना स्टार्ट करेगी, उसको किल करना स्टार्ट करेगी। तो डिफरेंट ये मेथड्स है जो आप इम्यूनिटी में पढ़ते हो, बट एट द लेवल ऑफ आपके सिलेबस में है नहीं, तो इतना याद रखना। थाइमस जो है वो आपका थाइमोसिन हार्मोन रिलीज करता है, थाइमोसिन जो हार्मोन है वो आपका इम्यूनिटी को इंक्रीज करता है, कैसे, इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ बी एंड टी लिम्फोसाइट्स, और बी और टी लिम्फोसाइट क्या करेंगे आपकी आपके जो एंटीजन है उनसे किल करने में क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। नेक्स्ट हम ग्लैंड की बात करें तो आई थिंक आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी पैनक्रियाज ग्लैंड और बाकी जो रेस्ट ऑफ ग्लैंड है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे डिस्कस, ठीक है, ओके।